नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। 3.5 वर्षीय बालिका का अपहरण और बलात्कार करने के फरार आरोपी कटनी जिले के शिव कुमार पटेल उर्फ सोनू पटेल उर्फ भक्का को आश्रय देने वाले तिलक चौक कैमौर निवासी राजू फिलिप के ढाबा को जिला प्रशासन और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया है। कटनी जिले के कुटला बस्ती महगवा थाना कैमौर निवासी शिव कुमार पटेल उर्फ सोनू पटेल पर 10 एवं 11 सितंबर की दरमियानी रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 3.5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। बच्ची की तलाश करने पर वो रात में ही घर के पास खड़े ट्रैक्टर के पास रोते मिली। परिवारजनों द्वारा घर के समीप ही किराए से रहने वाले शिव कुमार पटेल उर्फ सोनू पटेल से पूछने पर उसने हैवानियत भरा काम करना स्वीकार किया। ग्रामीणों ने डायल 100 फोन कर पुलिस बुलाई और पुलिस ने आरोपी शिव कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी भाग निकला। इसे पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने अभियान चलाया और सोमवार 12 सितंबर को आरोपी शिव कुमार पटेल उर्फ सोनू पटेल को विजय राघवगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा में पकड़ लिया। पकड़े जाने पर आरोपी ने ढाबा मालिक राजू फिलिप के कैमौर स्थित ढाबा में आश्रय मिलने की जानकारी दी। आरोपी शिव कुमार पटेल को फरारी के दौरान संरक्षण एवं आश्रय देने वाले तिलक चौक कैमौर निवासी 50 वर्षीय राजू फिलिप के ढाबा को जिला प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया है।